नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। मैंने अपने 750 से ज़्यादा वीडियोस क्यों डिलीट कर दिया, क्या रीज़न है कि मेरे चैनल पे पहले 1200 वीडियोस दिखाई दे रहे थे लेकिन अभी आपको कुछ 540, 50 ऐसा समथिंग कुछ वीडियोस दिखाई दे रहे होंगे, तो क्यों डिलीट कर दिए। ओके, मेन बात के ऊपर आने के पहले मैं आप सब लोगों से एक बात कहना चाहूँगी कि आप सबको ना दिल से मेरा थैंक यू, बहुत बड़ा वाला थैंक यू। मैं अपनी अंतरात्मा से, अपने दिल से, अपने मन से, जिस भी लेवल का आप लोगों को थैंक यू कह सकती हूं ना, मैं उस लेवल का थैंक यू अभी इसी वक्त आप सब लोगों को कहना चाहती हूं। मैं बहुत 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 ग्रेटफुल हूं आप सब लोगों के लिए कि आप सब मुझे मिले। थैंक यू सो मच। ओके, अब आते हैं मेन बात के ऊपर कि क्या रीजन था इतना सारा थैंक यू बोलने के बाद, भैया क्यों कर दिया शाम भाभी तुमने इतने सारे वीडियोस को डिलीट। तो देखिए, उसके पीछे ना एक बहुत बड़ा मेन रीजन था कि मैंने ये नोटिस किया पिछले 3 साल की जर्नी में। ऑब्वियसली अगर मैं 3 साल की जर्नी में किसी चीज को नोटिस कर रही हूं तो आप ये समझ ही सकते हैं कि मेरा पेशेंस लेवल किस लेवल का है। मैं पेशेंटली उस चीज को नोटिस कर रही थी कि लोग एक्चुअली क्या देखना चाहते हैं, और उस बीच मैंने एक दिन भी मिस नहीं किया कि मुझे वीडियो आप लोगों के साथ में शेयर नहीं करना है। और ये 3 महीने बहुत ही पेशेंस रखते हुए, बहुत ही धैर्य बना करके रखते हुए मैंने ये देखा कि आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को, मैक्सिमम लोगों को अपनी जिंदगी बदलने से कोई मतलब नहीं है। उनको बस 2-3 चीजें हैं, स्पेशली उनके पार्टनर से रिलेटेड अगर बात हो जाए, स्पेसिफिक पर्सन को अगर मैनिफेस्ट करने वाली बात हो जाए, किसी का कॉल या मैसेज आने वाली बात हो जाए, अपने एक्स को मैनिफेस्ट करने वाली बात हो जाए, उस पर कुछ भी अगर कोई भी बना देना तो उनको वो देखना है और उनको वही करना है। तो मुझे लगा यार मैं नहीं कर सकती ये चीज़, सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ को मैं ऐसे नहीं सिखा सकती, बिकॉज मैं ऐसी हूँ नहीं और मैंने खुद ऐसे सीखा नहीं है, और ये करने का कोई कायदा भी नहीं है और ये करने का कोई तरीका भी नहीं है। मेरे एक एक वीडियो के अंदर मैंने डीप से डीप बात को बहुत ही ईजी करके रखने की कोशिश की, वो सारे ही वीडियोज़ को मैंने डिलीट किया। रीज़न ये था कि वो बहुत ही डीप कॉन्सेप्ट थे जिन्हें मैंने इतना ईजी कर दिया था जहाँ पर किसी को कोई ज़्यादा मतलब नहीं था। मैं ये उन सब लोगों के लिए नहीं कहूँगी जिन्होंने उन चीज़ों को देखा है और उन्हें पता है कि मैं किन टॉपिक्स के बारे में बात कर रही हूँ। मैंने बहुत बार अपनी 5 इंद्रियों के बारे में बात की वीडियोस के अंदर, लेकिन वो लोग उस चीज़ के अंदर इंटरेस्टेड मुझे नहीं दिखाई दिए। मैंने बहुत बार अपनी वाइब्रेशन, अपनी फ्रीक्वेंसी, उस चीज़ को कैसे हाई वाइब्रेशन पर लेकर के जाएं, किस तरीके से उस चीज़ को ऐसा करें कि आप अपनी 5 इंद्रियों को लगा करके, पुरानी किताब, ये किताब, वो जगह, ये जगह, सब जगह से, जहाँ से भी मैंने सीखा, जहाँ से भी मैंने समझा, और जिस चीज़ के ऊपर वो बेसिकली काम करता है लॉ, उस चीज़ को मैं उठा करके लेके आई और आप लोगों को उन वीडियोज़ के अंदर मैंने डाल करके सर्व करने की कोशिश की। और मैंने देखा कि आप उसे नहीं चाहते, मोस्टली लोग, मैं उन लोगों की बात यहाँ नहीं कर रही हूँ जिन्हें एक्चुअली वो चाहिए था, तो ऑब्वियसली उन्होंने वो ले ही लिया, उन्होंने वो देख ही लिया जिनकी मैं बात कर रही हूँ, राइट। तो मैं उन चीज़ों की बात करती हूँ कि यार अपनी लाइफ को बदलो, सिर्फ एक पार्टनर को पा लेने से, उसका कॉल या मैसेज आ लेने से आपका पूरा जीवन नहीं चलने वाला है ना। जब तक आप जीवित हैं, क्या सिर्फ वो एक पार्टनर मान लीजिए आपने मैनिफेस्ट कर भी लिया है ना, क्योंकि उसी तरीके के वीडियोस और उसी तरीके का कंटेंट आप लोग पसंद कर रहे हैं कि यहाँ लिख लो, वहां लिख लो, उसको जला दो, उसको उड़ा दो, उसको वो कर दो, उसको वो कर दो, उसको फलाना कर दो, उसको ढिमकड़ा कर दो, एक पत्ते पे लिख करके कुछ भी आ गया, एंड समथिंग समथिंग वही है आपकी पार्टनर की करंट वगैरह वगैरह व्हाटएवर। बहुत तरीके की चीजें मैंने इस बीच में नोटिस की और वहां पर मुझे समझ में आया कि आपको बस उतना एक चीज से मतलब है, लेकिन आप उसके पार की चीज नहीं देख रहे। ओके फाइन, चलिए, ये सब कुछ तामझाम करने से ये चीज हो भी गई, उसके बाद का क्या? क्योंकि जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ वो तो अभी कभी, और वो आप के नाती पोते हो जाएं, आपके लाइफ में सब कुछ सेट हो जाए,
तब भी आपको वो चीज काम आएगी कि किस तरीके से हमें अपनी जिंदगी को, अगर कोई परिस्थिति ऊपर नीचे होती है तो कैसे करना है, अगर हमें कुछ मैनिफेस्ट करना है तो अपनी वाइब्रेशन के लिए कैसे काम करना है, किस तरीके से अपनी पांचों इंद्रियों को लगा करके हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, किस तरीके से अपनी पांचों इंद्रियों के द्वारा हम अपनी वाइब्रेशन को ठीक कर सकते हैं, किस तरीके से पंच तत्व काम करता है, किस तरीके से ये जो यूनिवर्स की एनर्जी है, यूनिवर्स की जो वाइब्रेशन है उसको हम अपने अंदर उतारते हुए और किस तरीके से उसको अंदर लेकर के जाएं और किस तरीके से उस वाइब्रेशन को बाहर निकालें, ये सारी चीजें मैंने उन सारी जगह पर शेयर की थी। लेकिन मैंने देखा कि नोबडी इज इंटरेस्टेड, सो और मेरी आदत भी नहीं है कि यार मैं बोलूं कि ये देख लो ये देख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिनको देखना है मुझे पता है, मुझे मालूम है कि मैंने जिनके लिए सर्व किया है उन्होंने वो चीज देख ली है, और अब अननेसेसरी उसका लाइब्रेरी में पड़ा रह करके कोई सेंस नहीं बन रहा है, मैंने जस्ट खटाखट एक खिचड़ी बना रखी है, राइट। तो इस वजह से मैंने वो सारे जितने भी डीप थे, डीप से भी ज्यादा जो डीप थे, मैंने उन्हें रिमूव किया, क्योंकि इस चीज का एहसास मुझे हुआ कि शायद मैं खुद इस चीज के लिए ग्रेटफुल नहीं हो रही हूं, मैं इतना इजी कर रही हूं कि किसी को उससे मतलब ही नहीं है, उनको सिर्फ एक पार्टनर, एक डिजायर्ड जॉब, बस उनको यही लग रहा है कि यही एक खुशी है, उसके बाद की दुनिया उनको नहीं देखनी है। तो वाई अननेसेसरी, राइट। एक रीजन तो ये था कि मैंने अपने उन वीडियोस को रिमूव किया जिसके अंदर मैंने पता नहीं कितनी किताबों को एक्चुअली मैंने रिमूव किया है, ठीक है। अब खुद सोचे कि क्या दिल हो रहा होगा मेरा उस टाइम पे। हाँ, तो कितनी बुक्स, और उन बुक्स के अंदर से कितनी बार किसी चीज में चाय कॉफी लगाना, किसी चीज में कटोरी चम्मच लगाना, किसी चीज में प्लेट से कोई बात समझाना, किसी वीडियो में एक ग्लास पानी से कोई बात को समझाना, मैंने अपनी रोजमर्रा की लाइफ में से वो एग्जाम्पल्स लेकर के लगाए थे उन बड़ी चीजों के लिए, उन डीप टॉपिक्स के लिए, जहां पर मुझे लगा कि मैं इन डीप टॉपिक्स को लेकर के उस लेवल की ग्रेटफुल नहीं हो रही हूं। इतना इजी आप किसी को भी कुछ सर्व कर दोगे तो उसको समझ ही नहीं आएगा कि वो क्या खा रहा है, ये कोई हेल्दी फूड है जिसे एक सिंपल सी प्लेट पर लगा करके दे दिया गया है, तो इसे सजा धजा करके दे देते हैं भाई, ठीक है। ओके, एक तो ये वाली चीज हो गई। दूसरी ये चीज थी कि मैंने ये नोटिस किया कि मेरे कॉन्टेंट के ऊपर ही बहुत ज्यादा लिपा पोती करके आप लोगों के सामने उसको सर्व किया जा रहा था, तो मुझे लगा कि ये एक मिसयूज हो रहा है। मैंने उन सारी चीजों को पढ़ा है, मैंने उन सारी चीजों को अपनी लाइफ में ये 14 इयर्स की जर्नी में कहीं ना कहीं अप्लाई किया है, अप्लाई करके देखा है, गिरी हूं, उठी हूं, उठ के फिर गिरी हूं, फिर पता नहीं हजारों बार फेल हुई हूं। वो सारी चीजों को अगर उल्टे सीधे तरीके से, उल्टे सीधे सेंस में किसी भी तरीके से किसी भी बात को यू नो कवर कर दिया गया और यहां जला दो, ये कर दो, वो सारी चीजें मैं खुद नहीं हूं। मैं आप लोगों को वो सारी चीजें, फालतू फूहड़ बातें, फालतू फूहड़ चीजें नहीं बता सकती, बिकॉज मुझे पता है कि ये चीजें से काम ही नहीं करती। ये फ्रीक्वेंसी का गेम है, एनर्जी का गेम है, एनर्जी वाइज ये चीजें काम करती हैं। आपकी जैसी फ्रीक्वेंसी होगी, जैसी एनर्जी होगी, जिस लेवल का आप अलाइन करेंगे खुद को, आप जिस लेवल पर अपने आप को सेट करेंगे, आप जिस तरीके का फील करते होंगे, आपका जैसी सेटिंग होगी, आप उसी हिसाब से मैनिफेस्ट करने वाले हैं। तो मैं अननेसेसरी वो चीजें आप लोगों के सामने सर्व नहीं कर सकती, जिसका मुझे पता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ व्यूज पाने के लिए आपको कुछ भी दे दूं, वो मैं नहीं हूं और वो मैं नहीं कर सकती हूं। तो ये भी एक रीजन था कि मुझे नहीं करना। ओके, अब मैं आप लोगों के साथ में दूसरी बात कहना चाहूंगी कि ठीक है, ये तो हो गया रीजन कि भाई मैंने क्यों डिलीट किए वो सारे के सारे वीडियोस। अब मैं आप सब लोगों से ना एक ही बात कहना चाहूंगी, अगर आप मेरे वीडियोस देख रहे हैं या देखना चाहते हैं या आपको लगता है कि आप देखना चाहते हैं, मैं कभी भी सिंगल और सिर्फ एक चीज, एक पार्टनर पालो, एक जॉब पालो और दैट्स इट, बात खत्म होगी। अब भी फ्यूचर में कभी ये एक अकेला टॉपिक नहीं चलेगा। यस, मैं आपसे मैनिफेस्टेशन की बात करूंगी, मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैसे कर रहे हो, ये टेक्निक्स, ये टेक्निक्स,
थिंग्स, ये सबकॉन्शियस माइंड वो, लेकिन मैं जब तक उस चीज को डीप में नहीं जाती हूँ, हाँ ये मेरी कोशिश रहेगी कि अब मैं उस लेवल का एक ग्लास पानी और एक कटोरी और एक चम्मच, जो एक रोजमर्रा की चीजों से मुझे लगता था कि ईजी करके मैं आप लोगों को बता सकती हूँ, मैं एक कोई मिडल चीज पकड़ने की कोशिश करूंगी जहां से आपको वो थोड़ा सा यू नो हाई स्टैंडर्ड भी लगे और आपको लगे कि आप उस चीज को अब थोड़ा अपनी लाइफ में उतार सकते हैं। तो मैं एक सिंगल चीज के मैनिफेस्टेशन के प्रति ना तो खुद कभी भागी हूं ना मैं आप लोगों को भगाने देने के लिए बोलने वाली हूं। ठीक है, सिंगल सिंगल चीजों के ऊपर जरूर वीडियोस होंगे, टेक्निक्स होंगी, लेकिन उसके अंदर अगर मेन कुछ बातें होंगी जो आपकी फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन सारी चीजों से जुड़ी होंगी, उनके कभी कभार कॉन्टेंट्स, कभी कभार नहीं, मैक्सिमम टाइम कॉन्टेंट्स चेंज ही होंगे, अलग ही होंगे। मैं कभी किसी टॉपिक पे भी अगर बात करती हूँ तो वो भी आपके मैनिफेस्टेशन से ही जुड़ी होती है। तो अब देखते हैं कि डीप टॉपिक्स मैं कैसे करने वाली हूँ। ऑब्वियसली मैंने जितना डिलीट किया है मैं उस सारी चीज़ों को वापस से शूट करूंगी ही करूंगी। मैंने करीब 2 साल से ऊपर की अपनी मेहनत को डिलीट कर दिया, जरूरी लग रहा था मुझे सीरियसली ऐसा फील हो रहा था अंदर से। और भी बहुत सारी चीजें हो जाती है ना, कभी कभार बहुत मिक्स हो जाता है कुछ, तो वही मिक्स में हुआ है। मुझे पता है कि समझने वाले समझ रहे हैं और मुझे ये भी पता है कि वो लोग बिल्कुल समझ रहे हैं जिन्होंने वो वीडियोस देखे हैं और उन्हें पता है कि मैंने उन्हें क्या सर्व किया है। अगर उन्होंने अपनी लाइफ में उसे जरा सा भी उतारा है और नहीं भी उतारा है ना, सिर्फ उन्होंने सुन करके उन टाइम पर भी उस चीज को फील किया है ना, तो आई एम डैम श्योर कि उन्हें पता है कि मैं क्या बोल रही हूं। प्लीज एक दो चीजों के लिए सिर्फ और सिर्फ मैनिफेस्टेशन को आप अगर समझेंगे तो आप कभी भी मैनिफेस्टेशन को नहीं समझ पाएंगे। ये बड़ी चीज है, ये बहुत ही बड़ी चीज है, आप समझिए। अगर मैं कोई रोज वीडियोस आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ तो ये कितनी बड़ी चीज होगी कि शायद मैं भी कॉन्सेप्ट को ना कवर नहीं कर पा रही हूँ एक ही बार में मैं आपको कोई चीज नहीं समझा पा रही हूँ, क्योंकि वो नहीं समझी जा सकती, ये बहुत बड़ी चीज है। बस इतना ही कहना था मुझे, चेंज योर लाइफ, अंडरस्टैंड डीप थिंग्स, जिन चीजों के वजह से आपकी आगे आने वाली लाइफ काम कर सकती है, चीजें आपके लिए काम करेंगी, आपके लिए मैनिफेस्टेशन काम करे, आप मैनिफेस्टेशन को इजी अंडरस्टैंड कर सकें। सिर्फ एक दो चीजों को मैनिफेस्ट करने से आगे का फ्यूचर आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि बहुत सारे केसेस में ऐसा भी होता है कि आपने मैनिफेस्ट कर लिया एंड देन आप सोचते हो कि यार अब क्या, तो वो अब क्या सोचने के रास्ते को मैं खोलने की कोशिश करती हूँ, ये हूं मैं और यही है मेरा प्रयास और यही है मेरी कोशिश। तो जो लोग एक्चुअली लाइफ बदलना चाहेंगे और फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज करना चाहते हैं वो जुड़े मेरे साथ। बाकी ठीक है यार, कुछ भी जलाओ, कुछ भी उड़ाओ, कुछ भी बहाओ, चल ही रहा है, मैं नहीं कर सकती। थैंक यू। अपना अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार, ताकि अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। लव यू ऑल, टाटा।